अब बात करते हैं हमारे मॉड्यूल 3 के बारे में, जहां पे प्रोसेस टू क्रिएट अ डैशबोर्ड कि अब डैशबोर्ड को क्रिएट करना है तो क्या क्या चीज आना चाहिए। आप डायरेक्टली जंप तो नहीं कर सकते पावर बीआई के अंदर डेटा लेकर के, आपको एक एक टूल को समझना पड़ेगा। जब आप सारे टूल को यूज करना सीख जाओगे तो आप एक रिपोर्ट क्रिएट कर पाओगे। रिपोर्ट क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री इस तरह से मॉड्यूल को आगे ले जाएंगे, जहां पे मैं आपको टोटल 4 से 5 लाइव प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिलेगा। आई थिंक यूट्यूब पे कोई नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सब के सब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, आई थिंक ज्यादातर लोगों ने वही बताया, एक नॉर्मल डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया जहां पे डेटा क्लीन है पहले से। लेकिन मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा कि एज अ रियल बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट काम कैसे करते हैं। एक प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे, एक डैशबोर्ड को बनाने के पीछे कम से कम 3 से 6 महीना चले जाता है, जो यूट्यूब पे आप 2 घंटे में देख लेते, राइट। तो वो कुछ 3 से 4 प्रोजेक्ट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो हाउ टू इम्पोर्ट डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा। सो आपको एक जो पावर बीआई का था वो ओपन करना है। आप डेटा आप कहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो, आइदर एक्सेल का आप ले सकते हो, एसक्यूएल से ले, सर्वर से ले सकते हो, वेब से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। और ये सारे का सारे प्लेटफॉर्म है जहां से डेटा आपको पावर बीआई में इम्पोर्ट करके आप रिपोर्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने दिया है कि जैसे आप पावर बीआई ओपन करोगे तो आप यहाँ से डेटा इम्पोर्ट कर सकते हो, आइदर यहाँ से। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा सोर्स है जहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, मैनुअली भी चाहो तो एंटर कर सकते हो, लेकिन मैनुअली किसी और चीज के लिए यूज होता है, जब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा तो समझेगा। उसके बाद जब गेट डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आया, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेल के ऊपर डेटा लेने वाले हैं, उसको इम्पोर्ट करेंगे एंड फिर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का कि डेटा लिया। फिर यहाँ पे ओपन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड हम कब करते हैं, जब हमारा डेटा एकदम क्लीन डेटा है। YouTube के ऊपर पूरा क्लीन डेटा ही आपको मिलेगा, जो लोग वीडियो बना करके डाल रहे हैं, कोई भी अनक्लीन डेटा के ऊपर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। और रियल बिजनेस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं मैं, नॉट 5 मिनट 10 मिनट जो हम करते हैं वो चीज के बारे में नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप। सो यहाँ पे लोड हम करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारा डेटा क्लीन है। अगर डेटा क्लीन नहीं होता तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं और वहां पे डेटा पूरा चेंजेस करते थे, क्लीन करते थे, अलग डिम टेबल फैक्ट टेबल क्रिएट करते थे एंड उसको स्ट्रक्चर वे में लाने के बाद हम डेटा को फिर लोड पे क्लिक करते थे। सो 3 कंडीशन है कि आपको लोड कब करना है। इफ डेटा इज इन अ प्रॉपर फॉर्म, लोड डायरेक्टली। इफ द डेटा इज नॉट अ क्लीन, यू नीड टू क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा एंड मेक डिजायर चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग अ डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर ऑल द चेंजेस मेड, उसके बाद आप डेटा फिर से अपलोड कर सकते हो। तो जैसे आप डेटा अपलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट। सो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने, सो ये हमारा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसने आपको इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, या एक्सेल वर्कबुक है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ले चलता हूँ जो हम डेटा लेने वाले, ये वाला डेटा लेने वाले, सैंपल सेल्स डेटा, ताकि बिगिनिंग में आपको एक छोटा सा एज मिले, समझ में आए कि किस तरह से होता है एंड उसके बाद हम एडवांस डेटा यूज करेंगे। फिलहाल ये डेटा अपलोड में चल रहा है, राइट। सो ये आप देखोगे कि यहाँ पे आपको टेबल्स दिखाएंगे कौन सा डेटा अपलोड करना है। तो मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेटा प्रीव्यू आएगा कि आपका डेटा कुछ इस तरह से स्टोर किया गया है, जहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, राइट। ये सारा का सारा सिटी, पोस्टल कोड, ये सारा का सारा है, राइट। तो मैं इसके ऊपर लोड कर दूंगा। अगर ये डेटा क्लीन नहीं होता, फिलहाल मैं यहाँ पे क्लीन डेटा यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लोड करूंगा। क्लीन नहीं होता तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता था, सर लोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। हम लोडिंग पे भी फिलहाल क्लिक कर रहे हैं तो डेटा अभी लोड हो रहा है। यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पे दिखाएगा कि आपका मॉडल कहाँ भी डेटा जहाँ आपने रखा है वहां से ये उसको कनेक्ट कर रहा है डेटा सोर्स से, राइट। तो 9914 रोज अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कि ऑर्डर्स डेटा आ चुका है। अगर इसमें क्लिक करता हूं अभी और कनेक्ट हो रहा है अच्छे तरीके से, तो अगर अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि इधर सारा का सारा डेटा आ चुका है, राइट। तो किस तरह से डेटा इंपोर्ट करते हैं, कैसे डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
लास्ट मॉड्यूल में समझा कि किस तरह से डेटा इंपोर्ट करते हैं और कैसे डेटा अपलोडिंग होता है, कैसा डैशबोर्ड दिखाई देता है, पावर बीआई का सारा का सारा। अब हम ना विजुअल्स को एक्सप्लोर करेंगे, एक एक विजुअल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। टोटल आई थिंक 20 से 21 विजुअल्स है और हर एक विजुअल्स को कब यूज करना है ताकि आप एक बेहतर चार्ट बना सको। बहुत सारे लोग रैंडमली कोई भी चार्ट लेकर के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, लेकिन हर एक जगह के लिए अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग चार्ट का यूसेज होता है, राइट। सो यहाँ पे हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा चार्ट आ जाता है यहाँ पे एरिया चार्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द एरिया चार्ट डिपेंड्स ऑन लाइन चार्ट्स टू डिस्प्ले क्वांटिटेटिव ग्राफिकल डेटा। द एरिया बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन इज कॉमनली फिल्ड विद द कलर, जैसे कि यहाँ पे है, एंड पैटर्न टेक्सचर जो भी आप रखना है। यू कैन कंपेयर मोर देन टू क्वांटिटीज एंड एरिया चार्ट, इट शोज द ट्रेंड चेंजेस ओवर द टाइम। सो यहाँ पे मैंने बनाया है कि तीन कैटेगरी लिया है, जहां पे फर्नीचर, ऑफिस सप्लायर्स एंड टेक्नोलॉजी, और उनका ट्रेंड कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स बिटवीन 2011 टू 2014। तो मुझे यहाँ पे नजर आता है कि सबसे ज्यादा जो सेल्स जो ब्लू कलर का टेक्नोलॉजी वहां पे है, उसके बाद आपका ऑफिस सप्लाईज आता है एंड फिर फर्नीचर आता है, राइट। अब ये किस तरह से बनाना है तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखाता हूं। तो मैं ले चलता हूं आपको यहां पे। सो आप देखोगे कि मैंने ऑलरेडी यहां पे क्रिएट करके रखा हुआ है, राइट। सो मैं यहां पे क्या किस तरह से किया मैं वो आपको बताता हूं। इसको मैं छोटा कर देता हूं, यहां पे हम इसको छोटा कर लेते हैं। एरिया चार्ट हमने लिया है, आपको देख रहा है एरिया चार्ट। सो एरिया चार्ट में क्या करना है, यहां आपको जाना है, इस एरिया चार्ट पे क्लिक करना है, राइट। इसमें क्या क्या डेटा है हमारा, इसके अंदर हमारा एक डेटा है ऑर्डर डेट है, उसके अंदर सेल्स है एंड कैटेगरी है। तो आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे ऑर्डर डेट, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे सर्च कर सकते हो ऑर्डर डेट। सो ऑर्डर डेट में हायरार्की लेकर के मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डाल देता हूँ, डेट आ गया। लेकिन मुझे इसमें डेली का नहीं चाहिए, डे और मंथ का नहीं चाहिए, क्वार्टर तक आप रख सकते हो। और वाई एक्सिस पे मैं लेने वाला हूँ सेल्स, यहाँ पे मैं सेल्स लेकर के वाई एक्सिस पे डाल देता हूँ। तो आपको दिखाई देगा एक चीज का, लेकिन ये सिर्फ इस कंपनी के सेल्स का ट्रेंड बता रहा है एरिया वाइज, लेकिन मुझे कैटेगरी वाइज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैटेगरी लेता हूं, कैटेगरी, और इसको मैं डाल देता हूँ लेजेंड में। लेजेंड आपका एंटिटीज को शो करता है। तो जैसे ही मैंने डाला तो आप देखोगे कुछ इस तरह का चार्ट बन गया, और एरिया चार्ट आपको शो करता है कि सबसे ज्यादा सेलिंग कहां से हो रहा है, कहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है, राइट। यहां से ही आपको ये आइडिया मिला। सो अब हमारा नेक्स्ट जो चार्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आर मोस्टली यूज्ड चार्ट टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स होते हैं, उसको कनेक्ट करके आपका एक लाइन चार्ट क्रिएट होता है। लाइन चार्ट बेसिकली आपका ट्रेंड के लिए यूज करते हैं, सेल्स का ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड, या मार्जिन आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूसेज होता है। खास करके फाइनेंशियल डेटा में बहुत ज्यादा लाइन चार्ट का यूसेज है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमने सेगमेंट ले लिया है और उसका ट्रेंड बताया है कि ओवरऑल सेल्स बाय सेगमेंट। इससे पहले हमने कैटेगरी का बात किया था, अब हम होम ऑफिस का सबसे ज्यादा बिकता है कि कॉर्पोरेट के लिए बिकता है कि कंज्यूमर के लिए, वो हम देख। तो आ जाते हैं हमारे लाइव डेटा पे। सो इसके बाद मैंने देखो यहाँ पे लाइन चार्ट क्रिएट करके रखा है, मैं लाइन चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। सो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और लाइन चार्ट आपके लिए यहाँ पे साइड में बना करके दिखाता हूँ कि कैसे बनाना है। सो क्या कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लाइन चार्ट पे क्लिक करना है, इसमें क्या क्या डेटा है वो आपको लेना है। तो जैसे कि इसके अंदर में आपका सेम ऑर्डर डेट है, सेल्स है और सेगमेंट है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपका सबसे पहले डेट ले लेना है, ऑर्डर डेट, क्योंकि जब भी आप डेट लोगे उसी से आप एक तरह से स्लाइस एंड डाइस कर सकते हो, राइट, बाकी किसी और चीज से नहीं कर सकते हो। तो डेट से ही लोग चेक करते हैं कि इस तारीख को क्या हुआ था, इस क्वार्टर में क्या हुआ था, राइट। डे हटा देता हूँ, मंथ भी रख सकते हो जैसे आपको चाहिए, राइट। और इसमें मैं ले लेता हूँ आपका सेगमेंट, सेगमेंट आपका किस में आएगा, लेजेंड में आएगा, क्योंकि ये डिम है, राइट। ट्रांजैक्शनल डेटा खास करके आपका नंबर्स होते हैं, फैक्ट होते हैं, एंड इसके बाद में इसमें सेल्स ले सकते हो या प्रॉफिट ले सकते हो, आपको जो लेना है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे वाई एक्सिस में सेल्स डाल देते हैं।
तो आप देखोगे कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया है, लेकिन आप बोलोगे ये कुछ अलग दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, कुछ नहीं, ये एक्चुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा है। उसके अंदर में इसको क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई देगा क्वार्टर बेसिस पे, और इसको अंदर जाना है तो आपको ये मंथली बेसिस पे आ गया, राइट। तो ये ड्रिल डाउन होता जाता है कि मंथली बेसिस पे देखना है, क्वार्टर बेसिस पे देखना है, ईयर बेसिस पे देखना है, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट चार्ट है बार चार्ट। सो बार चार्ट के अंदर में आप देखे रहेंगे कि आप जिस तरह से हम पहले बचपन में ड्रॉ करते थे ग्राफ के ऊपर, तो बार चार्ट इसी तरह का है कि ओवरऑल कोई प्रोडक्ट ए बी सी का है तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें है, राइट, उसको डोनेट करने के लिए यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है बेसिकली ये, तो शोज द डिफरेंट शिप मोड। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ये जो डेटा है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जो सेल्स हुआ है वो सबसे ज्यादा कौन से मोड से सेल्स हो रहा है इकॉमर्स का, इकोनॉमी या इकोनॉमी प्लस, प्रायोरिटी और इमीडिएट। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने चार वे रखा है जहां के थ्रू कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। इकोनॉमी मतलब हो सकता है जहां पे कोई आपको डिलीवरी का चार्जेस ना लगे, इकोनॉमी प्लस में शायद आपको डिलीवरी ₹50 हो, प्रायोरिटी अगर आपको नहीं 2 दिन में ही चाहिए तो उसके ऊपर कंपनी ने ₹150 कर दिया रहेगा, और इमीडिएट करेगा तो उसके ऊपर हाइयर चार्जेस रहेगा। तो इस तरह से कैटेगरी किया है। तो सबसे ज्यादा जो ऑर्डर्स या सेल्स होते हैं वो इकोनॉमी के थ्रू, इकोनॉमी प्लस के थ्रू, तो ये बार चार्ट आपको रिप्रेजेंट करता है। अब इसका लाइव समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले से डेटा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ बार चार्ट का। यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ से इसको बार चार्ट ले लेते हैं, राइट, यहाँ पे बार चार्ट लेकर के इसको हम जूम कर देते हैं। इसमें क्या क्या डेटा है, आपका वाई एक्सिस में शिप मोड है, एक्स एक्सिस में सम ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पे मैं शिप मोड ले आता हूँ, शिप मोड को हम वाई एक्सिस में डाल देते हैं, और क्या है इसके अंदर में आपका सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स को हम एक्स एक्सिस में डाल देते हैं। यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं सिंपली एक्स एक्सिस में, राइट। सो यहाँ पे मुझे इकोनॉमी दिखा रहा है, राइट, कि इकोनॉमी से आपका जो ओवरऑल सम ऑफ सेल्स कितना हुआ है, राइट, सेल्स कितना हुआ है, इकोनॉमी प्लस से कितना हुआ है, ये आपका टोटल मिलता है। ये ऑल ईयर के लिए आप चाहो तो कोई भी पर्टिकुलर ईयर का चेक कर सकते हो, 2012 का, 13 का, आप जैसा चाहो वैसे चेक कर सकते हो, या आप किसी रीजन का चेक करना है साउथ में, ईस्ट में, तो आप ये काफी आसानी से पता चल जाता है कि सेंट्रल से ज्यादा बिजनेस आ रहा है कि नॉर्थ से ज्यादा आ रहा है कि साउथ से आ रहा है, तो यू कैन डिराइव कर सकते हो बार चार्ट का। और ये जो ऊपर में हम आगे समझेंगे कैसे होता है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट जिसका नाम है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट सिमिलर आपका बार चार्ट जैसा ही दिखता है, लेकिन ये आपका वर्टिकल होता है, वो हॉरिजॉन्टल था, ये वाई एक्सिस पे होता है, जहां पे बेसिकली आपका सेल्स डेटा, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, ये सब हम देख सकते हैं, राइट। तो इसको मैं भी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ लाइव, तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पावर बी आई पे, राइट, यहाँ पे कॉलम चार्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या डेटा डाला है आपने, ऑर्डर डेट और सम ऑफ सेल्स। तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले मैं छोटा कर देता हूं, एंड यहां से हम कॉलम चार्ट पे ले लेते हैं, और इसमें सेल्स हम वाई एक्सिस पे ले आते हैं, और एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, बस ऑर्डर डेट ले आना, ऑर्डर डेट। तो सेम इसी तरह से आपको देखने मिल जाएगा, राइट। जो ऑर्डर डेट यहाँ पे डेली आ गया, इसको मुझे ये अपसाइड करना पड़ेगा, ड्रिल अप करना पड़ेगा। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, क्वार्टर वन क्वार्टर टू बेसिस पे दिखा रहा है सेल्स का, राइट। इसको और ऊपर करता हूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ऊपर करूंगा तो सेल्स आ गया ईयर वाइज, राइट, वो क्वार्टर वाइज था, ईयर वाइज था, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे डेटा दिख रहा है तो आपको डेटा अगर दिखाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डेटा लेवल को ऑन कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे कैसे करते हैं ये मिलियंस में। तो आपको इसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूज को, राइट, जो हम आगे में आपको सिखाने वाला था, डिस्प्ले यूनिट्स को, डेसिमल्स, यहाँ पे के में रखना है, मिलियंस में रखना है, 1000 में रखना है तो 1000 में आ जाए, राइट। तो यहाँ से आप इस तरह से कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा चार्ट है कॉम्बो चार्ट। सो कॉम्बो चार्ट का यूसेज मैंने देखा है खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत होता है, जहां पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को साथ में कंसिडर करते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि उसका इबिट्टा मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन या पैट मार्जिन कितना है। तो उसके अंदर लाइन चार्ट आ जाता है और कॉलम चार्ट आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपैरिजन सम ऑफ सेल्स है, और ये आपका जो ब्लू बार है वो सेल्स दिखा रहा है, छोटा ब्लू बार है जो डार्क नेवी कलर है वो आपका प्रॉफिट दिखा रहा है,
और ये आपका मार्जिन दिखा रहा है, जो मैं आपको बताऊं कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। और उसके हिसाब से ट्रेंड मालूम पड़ेगा, जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हो रहा है, पैट इंक्रीज एक तरह से पैट है, और उसके ऊपर मार्जिन कितना मिल रहा है, राइट। सो पैट मार्जिन कितना है, तो बिजनेस काफी आसानी से जो बिजनेस मैनेजर है वो डिसीजन ले सकते हैं, सीएफओ है, कि भाई ओवरऑल हमारा मार्जिन कितना है और कितना मेंटेन रखना है, कहां से हम कहां तक आए हैं, राइट। इसको हम लाइव एग्जांपल से समझते हैं, तो मैं ले चलता हूं यहां आपको अपने स्क्रीन पे कॉम्बो चार्ट। सो कॉम्बो चार्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, ऑर्डर डेट है जो मंथ है, कॉलम वाई एक्सिस के अंदर में सम ऑफ सेल्स सम ऑफ प्रॉफिट एंड पैट मार्जिन जो मैं आपको बताऊंगा मेजर क्रिएट करके किया गया है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, वो हम इसको छोटा कर देते हैं। और कॉम्बो चार्ट आपको यहां से मिल जाएगा, ये आपका कॉम्बो चार्ट है, राइट। सो कॉम्बो चार्ट में यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑर्डर डेट आ जाएगा, मैं क्या करता हूँ इसको एक्स एक्सिस में डाल देते हैं, डेट तक आ गया, डे चाहिए डेट तक जो भी आपको, यहाँ पे मैं सेल्स डाल देता हूँ, सेल्स हमारा ये रहा वाई एक्सिस पे। अब इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, पैट भी डाल दूंगा, पैट सॉरी इसके अंदर प्रॉफिट लिखा है, ये पैट लिखा प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो प्रॉफिट है मैं इसको ले आता हूँ, इसी कॉलम वाई एक्सिस में आपको डालना है, राइट। सो आपका देखेंगे प्रॉफिट भी क्रिएट हो गया। अब आपका सेकेंडरी लाइन वाई एक्सिस है, तो आपको यहाँ पे पैट मार्जिन डालना पड़ेगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, राइट। यहाँ पे पैट मार्जिन है, इसको मैं क्या करता हूँ लाइन वाई एक्सिस पे डालता हूँ, राइट। ये पैट मार्जिन आप देखो, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एक मेजर है जहाँ पे फॉर्मूला हमने क्रिएट करके रखा है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये कैसे लिखते हैं, राइट, अभी नहीं सिखाऊंगा, राइट। तो ये पैट मार्जिन मैंने दिखा दिया, अब इसको उसकी तरह दिखाना है आपको, सेम टू सेम मैं इसको कर देता हूँ उसकी तरह, राइट, सेम उसी की तरह हो गया। डेटा दिखाना, डेटा पे क्लिक करो, डेटा आपको दिख जाएगा, डेटा लेबल ऑन करो जिसका करना है, तो आपको सेम वैसा क्रिएट हो जाएगा। ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत यूसेज होता है, राइट, ईयर वाइज क्वार्टर वाइज जो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि और भी इसको मैं ड्रिल डाउन फर्दर कर सकता हूँ, आई थिंक डे पे भी आ जाएगा क्योंकि डेली डेटा है, लेकिन ये पूरे साल का आ गया, तो मुझे सिर्फ 2011 का देखना है, तो मैं 11 पे क्लिक करके सिर्फ 11 का देख सकता हूँ, राइट। लेकिन डेली का मोस्टली नहीं देखते कंपनी में, क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, तो आपको इसको क्वार्टरली रखना पड़ेगा या मंथली रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चार्ट है हमारा पाई चार्ट। सो पाई चार्ट बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर है और उसको जानना है कि सबसे ज्यादा जो कार की उनकी सेलिंग होती है वो कहाँ से होती है, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से मतलब सेगमेंट से आता है, प्रीमियम कार से आता है, जो बेसिक कार है सबका अलग अलग रेंज है, अलग अलग टाइप है, सो कार ए से बिजनेस ज्यादा आ रहा है, कार बी से ज्यादा आ रहा है, या फिर आपका कोई बिजनेस है इंडिया अक्रॉस में, तो आपको जानना है कि कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा बिजनेस आप जनरेट करते हो, तो वहां के लिए पाई चार्ट का बेसिकली यूज किया जाता है। तो पाई चार्ट में यहाँ पे जैसे ये देख सकते हो, उन्होंने दिखाया प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट बाय शिप मोड, कौन से मोड से सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनको आता है, तो इकोनॉमी ऑलमोस्ट 63% के आसपास प्रॉफिट इनको जनरेट करता है इकोनॉमी मोड, या फिर आप उसको सेल्स भी ले सकते हो, पैट ले सकते हो, जैसा आपको लेना है बिट्टा, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है बेसिकली। तो इसको हम लाइव ले लेते हैं, राइट, पाई चार्ट पे आ जाते हैं। तो पाई चार्ट आप देखोगे इधर पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, सिंपल आपको शिप मोड और प्रॉफिट डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको छोटा करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे शिप मोड पे क्लिक करना है, ये अपना पाई चार्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, राइट, इसको बड़ा कर दीजिए, इसको बड़ा करना है, यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ सेल्स, या सेल्स देखना है, पैट देखना है, जो भी आप देख सकते हो, वैल्यूज में डालना है आपको न्यूमेरिकल डेटा, एंड सेगमेंट डालो, कैटेगरी डालो, या जो भी आपको डालना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेगमेंट यूज कर लेते हैं, वो सेगमेंट यूज कर रहे हैं, सेगमेंट करो मतलब कंज्यूमर कॉर्पोरेट ऑफिस जो भी है, कहीं से भी आप जो यूज करना है, यहाँ पे हमने शिप मोड यूज किया था, यहाँ पे हमने सेगमेंट यूज कर लिया, तो कौन से सेगमेंट से सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है कंपनी को, कंज्यूमर से आ रहा है, फिर आपका कॉर्पोरेट से आ रहा है, फिर आपका हेड ऑफिस से आ रहा है, तो ये आपको क्लियर आइडिया देता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कहां से कहां पे सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस डिपेंडेंट है या कैश का बिजनेस है, राइट। नेक्स्ट चार्ट है हमारा डोनट चार्ट, क्योंकि ये डोनट की तरह दिखता है, तो इसके अंदर में कभी कभी पाई चार्ट के अंदर में बहुत सारे डेटा आपका ये हो जाता है, तो बहुत सारे लोग शो करना चाहते हैं कि ओवरऑल डोनट चार्ट के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज, राइट। तो लेट अस टेक एग्जांपल सेल्स एंड अक्रॉस द ग्लोब,
और इस बीच में आपको टोटल सेल्स दिखाना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंग्लैंड से आता है, फिर नॉर्थ रीजन से, फिर सो ऑन, राइट। तो जितना छोटा जितना बड़ा पाई है उससे आप डोनेट कर सकते हो जब आपका डेटा पॉइंट बहुत ज्यादा है, राइट। जो डोनेट चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत सारे आपको डोनेट चार्ट ऑलरेडी दूसरे थर्ड पार्टी के मिलेंगे जो काफी एडवांस लेवल के होते हैं, ये बेसिक लेवल का है, फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम डोनेट चार्ट के ऊपर। तो डोनेट चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट है, राइट। सो डोनेट चार्ट पे क्या करना है, डोनेट चार्ट के लिए आपको सेव इधर क्लिक करना है, इसके अंदर हम ले लेते हैं स्टेट, आप सेगमेंट ले सकते हो, स्टेट ले सकते हो, जो भी लेना है, इसको आपको लीजेंड में डालना है और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्स डाल दो, प्रॉफिट डाल दो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम प्रॉफिट डालते हैं, हमने यहाँ पे प्रॉफिट वैल्यूज में डाल दिया, ठीक है, सेम क्रिएट हो गया इंग्लैंड का, ये जो भी वैल्यूज था मैच हो रहा है। तो डोनर चार्ट कुछ इस आसानी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, एडवांस डोनर चार्ट चाहिए तो यहाँ पे है, राइट। तो डोनर चार्ट आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। गेज चार्ट जैसे कि आपका डीआई सिस्टम में होता है, बाइक के ऊपर आपने देखा है कितने स्पीड से आप चला रहे हो, राइट। ओवरऑल 180 किलोमीटर तक जा सकते हो और आप 60 किलोमीटर के आसपास हो, राइट। सो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने अपना टारगेट रखा है, फॉर एग्जांपल 659 के आसपास का इतना 1000 बिजनेस करना, और फिलहाल कंपनी कहां तक पहुंची है, तो ये आपका टारगेट डेविएशन शो करता है। तो ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि कंपनी को मालूम पड़े वो कितना टारगेट से अपना दूर है, राइट। इसको हम लाइव एग्जांपल पे ले चलते हैं, तो यहां आ जाते हैं और यहाँ पे गेट चार्ट में क्लिक करता हूँ और कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक गेट चार्ट है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको साइड में ले आते हैं, कि 2012 का है, आप चाहो तो 2014 का भी क्लिक कर सकते हो, चेंज होते रहता है, 2012 में रखते हैं फिलहाल और इसको चेक करते हैं। तो इसमें हमने सेल्स यूज किया और दूसरा टारगेट सेल्स यूज किया और कुछ नहीं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट चार्ट क्लिक कर सकता हूँ या आप इसी गेट चार्ट को कॉपी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम सीख रहे हैं तो कैसे करते हैं, डेटा डालते हैं। यहाँ पे गेट चार्ट मैंने रखा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ सेल्स, सेल्स कितना है मैंने डाल दिया वैल्यूज, फिलहाल मेरी कंपनी इतना सेल्स कर रही है 549K का 2012 में, और मेरा टारगेट सेल्स कितना है। तो टारगेट सेल्स आपको बेसिकली कंपनी बना करके देती है कि हमारा ये है, और या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना है, वो एक एडवांस लेवल का है। तो आसानी से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, ये डायनेमिक रहता है, जैसे जैसे आप चेंज करोगे मंथली क्वार्टरली ईयरली, आपको वैसे वैसे वो चेंज होता हुआ नजर आएगा, राइट। तो ये हमने गेज चार्ट के बारे में डिस्कशन किया। अब बात करते हैं फनल चार्ट के बारे में। फनल चार्ट काफी समझने में काफी आसान हो जाता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि फनल चार्ट होता क्या बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्टॉक का फिल्ट्रेशन करते हैं फॉर पोर्टफोलियो में एड करना है, तो मार्केट में ऑलमोस्ट 6000 स्टॉक है, तो 6000 कंपनी को हम कुछ फोरेंसिक अकाउंटिंग के बेसिस पे, जैसे कि कंपनी का पैट 15% से ग्रो होना चाहिए, सेल्स 20% से ग्रो होना चाहिए, रिटर्न इक्विटी रिटर्न ऑन एसेट इज मोर देन 15% के ऊपर होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो काफी डाउन होना चाहिए, तो 6000 से होते होते वो आ जाता है फॉर एग्जाम्पल 600 पे, राइट। अब 600 को हम फर्दर बिजनेस स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव बेसिस पे डिटेल जाते हैं, और 600 से फिर आ जाते हैं 100 पे। अब 100 को फिर जाकर के और डिटेल में जाते हैं, उसको और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, कौन से ग्रोथ है कि नहीं, उसको फिल्टर करते करते नीचे आ जाते हैं। या आप रिक्रूटमेंट फर्म का ले सकते हो कि पहले 100 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनका पहला राउंड होता है तो 50 हो जाते हैं, सेकंड राउंड होता है तो 20 पे आ जाते हैं, थर्ड राउंड होता है तो 3-4 का सिलेक्शन होता है। तो फनल चार्ट आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देता है। उसी तरह कंपनी के अंदर में भी बिजनेस रहते हैं, राइट। लीड जनरेट करना है तो चल रहा है, ये लीड जनरेशन रिक्रूटमेंट फॉर्म के अंदर में या स्टॉक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर में आप फनल चार्ट कॉमनली देखते रहोगे, राइट। तो लेकिन हमारे पास फिलहाल फनल चार्ट का डेटा नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ और डेटा यूज करेंगे। जैसे फनल चार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया लीड, मैं आपको दिखाया लीड का, राइट। सो ये लीड 272 जनरेट हुआ है, क्वालिटी उसमें से 89 है, फिर सोल्यूशन 72 को हमने 36 को प्रपोज किया, फाइनल में सिर्फ 12 लोग ही फाइनल लीड कन्वर्ट हुआ। सो हम फनल चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसको कम कर देता हूँ। किस तरह से लेना फनल चार्ट, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जा करके फनल चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, राइट। ये आपको फनल चार्ट दिखाई देगा, राइट। सो फनल चार्ट यहाँ पे दिख रहा रहेगा, इसके अंदर हमको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे सेल्स कंट्री और सेल्स डेटा डाल देते हैं। यहाँ पे हम कंट्री ले लेते हैं, कंट्री
कंट्री ले लिया हमने, कैटेगरी में डाल देते हैं, सेल्स ले लेते हैं। तो समझने के लिए मैं ये डेटा आपको यूज करके बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन है, राइट। सो यहाँ से मुझे आइडिया मिल जाता है। तो इस तरह से आप फनल चार्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास लीड डेटा रहेगा। सो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, चार्ट है स्कैटर चार्ट्स। सो स्कैटर चार्ट यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि स्कैटर चार्ट्स आर यूज्ड टू विजुलाइज द डेटा यूजिंग द डॉट्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम टू डिफरेंट वेरिएबल्स सच एज एक्स एंड वाई एक्सिस। These charts are used to show a relationship between two different variables, right? And ये basically जो ये जो scatter charts होते हैं इनका जो usage है उसमें large number of data चाहिए रहता है और उसमें number of variables भी बहुत high रहते हैं, तो आपको वो काफ़ी भरे हुए नज़र आएंगे, right? तो उसका use होता है populations के अंदर में, या बहुत ज़्यादा SKUs है 10,000, 6,000, तो वहाँ पर आप ये use कर सकते हो scatter chart। So, इसका लाइव एग्जांपल लेते हैं किस तरह से स्कैटर चार्ट को हम प्लॉट करते हैं, जहां पे आप टू वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो और समझ सकते हो। सो आ जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, अब आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो आप यहां पे देख सकते हो कि स्कैटर प्लॉट ऑलरेडी बना हुआ है। मैं यहां से स्कैटर प्लॉट ले लेता हूं और उसको हम डिफाइन करते हैं। तो मैं यहां पे इसको डालता हूं, इसको हम करते हैं जूम, राइट। एंड इसके अंदर में क्या क्या वेरिएबल्स है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट नेम लेजेंड में यूज किया है। तो एक्स एक्सिस पे हम सम ऑफ सेल्स ले लेते हैं, पहले हम लेजेंड ले लेते हैं, लेजेंड में प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं सम ऑफ सेल्स ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो सेल्स यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं एंड क्वांटिटी ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो आपका ये स्कैटर प्लॉट रेडी हो गया, जहां पे आपको जो डिटेल्स है, राइट, यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट नेम क्या है एंड उसका क्वांटिटी कितना है, 29 क्वांटिटी जो अराउंड 4485 का सेल्स अमाउंट दिखा रहा है, राइट, डॉलर्स के अंदर में। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे काफी ऑलमोस्ट $9,915 के आसपास का सेल्स जनरेट कर रहा है, जहाँ पे क्वांटिटी लेकिन जस्ट 24 है। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आउटलायर है, जो आपके मीन से काफी दूर है। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे लेस वॉल्यूम और हाई सेल्स जनरेट कर रहे हैं, और जहां पे वॉल्यूम काफी हाई है लेकिन सेल्स काफी लेस है। तो ऐसे प्रोडक्ट को कंपनी क्या करती है, कट डाउन करती है, सो दैट वो दूसरे प्रोडक्ट पे फोकस कर सके, जहां पे प्रोडक्ट ना वॉल्यूम इंक्रीज हो तो सेल्स भी इंक्रीज होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट के बारे में, जो कि बबल चार्ट। ये सेम आपका स्कैटर प्लॉट की तरह ही दिखता है, बट इसके अंदर में डिफरेंस ये है कि जो बबल चार्ट है आपको साइज उसके अंदर दिखाता है कि ओवरऑल कोई प्रोडक्ट है तो ओवरऑल वॉल्यूम के साइज में कैसा दिखाई देगा, सेल्स में कैसा दिखाई देगा, पैट में कैसा दिखाई देगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स काफी कम रहते हैं, जहाँ पे इजीली आप देख सकते हो, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे 10 से 15 वेरिएबल या 20-25 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन स्कैटर प्लॉट के अंदर में उसके अंदर 4,000-5,000 के ऊपर चले जाते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपका 4 से 5 जो वेरिएबल्स अवेलेबल है, या प्रोडक्ट नेम है, या कैटेगरी है, या फिर शिप मोड है, जो भी डेटा है, राइट, तो उनका आपको परफॉर्मेंस देखना है। तो यहाँ पे बबल चार्ट के अंदर में आपको मैं शो करने वाला हूँ शिप मोड और सेल्स एंड क्वांटिटी सबसे ज्यादा कहाँ से जनरेट हो रहा है, कौन से मोड से हो रहा है। तो स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे बबल चार्ट पे मैं आपको ले आया हूँ। बबल चार्ट में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, जहाँ पे आपको इमीडिएट अराउंड जो क्वांटिटी है अराउंड 1559 के आसपास है, एक क्वांटिटी है, एंड सम ऑफ सेल्स जिसमें अराउंड $1,31,000 के आसपास का दिखा रहा है, राइट। वहीं पे इकोनॉमी, जहां पे लोग ऑर्डर मतलब एक्स्ट्रा पे नहीं करते हैं, इमीडिएट नहीं चाहिए, जब डिलीवरी होना रहेगा तब आ जाएगा, चलेगा, फ्री डिलीवरी एक तरह से आप कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा सम ऑफ सेल्स यहाँ से कंपनी जनरेट करती है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ। क्या करना है, सेम आपको यही लेना है, लेकिन इसके अंदर आपको बबल साइज चार्ट ये सब मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स अवेलेबल है। वैल्यूज के अंदर हम शिप मोड डाल देते हैं कि हमारा शिप मोड, आप चाहो तो कुछ और भी यूज कर सकते हो, कैटेगरी यूज कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज में शिप मोड यूज कर रहा हूँ। फिर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी या सेल्स आपको जो यूज करना है, क्वांटिटी चलो हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं,
एंड एक्स एक्सिस के ऊपर मैं यहाँ पे सेल्स ले लेता हूँ या प्रॉफिट, आप जो मेट्रिक आपको लेना है आप ले सकते हो, राइट। सो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं, शिप है, ये है, यहाँ पे अगर हम इसको हाईलाइट करें तो आपको दिखाई देगा शिप मोड इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे डॉट सेम नजर आ रहे हैं, राइट। तो इसको क्या कर सकते हो आप, सिंपली यहाँ पे आपको जाकर के यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइज, तो यहाँ पे साइज में मैं सेल्स से कंसिडर करता हूँ कि सेल्स के हिसाब से मुझे साइज दिखाना, तो साइज में जैसे ही डालता हूँ तो मुझे दिखाई देता है। मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ फॉर्मेटिंग में जाकर के, जो हम आगे देखेंगे इसको। अगर आपको लेबल ऑन करना है तो आप लेबल भी, डेटा लेबल भी ऑन कर सकते हो, कैटेगरी सॉरी यहाँ पे जनरल्स में जा करके डेटा लेबल ऑन कर दो टाइटल्स का, राइट। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी लेबल ऑन करूंगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, कलर चेंज करना तो आप कलर भी चेंज कर पाओगे, इसके अंदर में कलर अलग अवेलेबल है, राइट, वो भी कर पाओगे। नेक्स्ट चार्ट है हमारा वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट का बहुत ज्यादा यूसेज होता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर में, कि जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में हम कैश फ्लो को कैश फ्लो चेक करने के लिए, ओवरऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना है, एंड ओवरऑल कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है या पर्टिकुलर पीरियड में कितना सेल्स जनरेट कर रहा है, राइट। तो वहां पे वाटरफॉल मेथड काफी यूजफुल दिखाता है कि ओवरऑल अवेलेबल कैश इतना आपका पड़ा हुआ है, फ्री कैश फ्लो, या आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस आपका नॉन कैश एक्सपेंस माइनस जो भी आपका है एंड सो ऑन, तो आपको ये वाटरफॉल मेथड दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे आप कंपनी के सेल्स को डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हम प्लॉट करेंगे कि उस कंट्री के अंदर में कितना सेल्स जनरेट हो रहा ओवरऑल और कौन कौन सी कंट्री से आ रहा है, राइट। तो आ जाते हैं हम वाटरफॉल पे, तो पहले मैं आपको वाटरफॉल चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे इसको जूम करके, एंड उसके बाद इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम है कि आपको समझ में आए कि इसका यूज कब करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सम ऑफ सेल्स बाय ईयर एंड कंट्री लिया है हमने, हमने एक्स एक्सिस पे आपका ईयर ले लिया है, सॉरी वाई एक्सिस पे ईयर ले लिया है, एंड ब्रेक डाउन में यहाँ पे हमने जो ईयर है वो लिया है कि 2011 में और या 2012 के अंदर में जो 549 करोड़ का जो सेल हुआ है इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो कहाँ से आया, इंक्रीज होते जा रहा है फ्रांस से, फिर यहाँ से ये एडअप करके आपका यहाँ पे पहुंच रहा है, राइट। सो ऑन, 2011 में इतना था फिर एडअप होकर इतना आया फिर सो ऑन, राइट। तो ये सिर्फ ऑल ईयर का है, आप चाहो तो सिर्फ पर्टिकुलर ईयर का भी देख सकते हो, 2014 का या 2015 का, तो जिसको आपको फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मुझे ये फर्दर ब्रेक डाउन करना है तो मुझे ये दिखाई देगा कि सिर्फ और सिर्फ 2013 के अंदर में Q1, Q2, Q3, Q4 में परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन से दो रीजन में जैसे कि जर्मनी और इटली ने परफॉर्म नहीं किया सेल्स में, अदरवाइज ये नंबर और बेहतर हो सकता था। जो पिछले क्वार्टर में कम सेल्स था, मतलब सिर्फ 3,000 करोड़ का लॉस था, इस Q4 में अराउंड 15,000 करोड़ का लॉस होने लगा, राइट। तो इस तरह से आप इनसाइट जनरेट कर सकते हो। अब इसको बनाना है कैसे वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बनाना सेकेंडरी है, मेन आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे इनसाइट क्या जनरेट कर पा रहे हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे सिंपल है कि एक टाइम पे ये यूनाइटेड किंगडम में 10,000 का लॉस हुआ था, फिर ये रिड्यूस मतलब ये Q2 के अंदर में, फिर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में कौन सी कंट्री में लॉस हुआ या गेन हुआ, फिर नेक्स्ट कंट्री में, एंड सो ऑन, इस तरह से आप देख सकते हो। इसके अंदर सारी की सारी कंट्री का डेटा है, आप चाहो तो एक कंट्री का भी ले सकते हो, यहाँ पे आप एक और स्लाइसर लगा दोगे, कंट्री डाल दोगे तो सिर्फ आपको एक कंट्री का ही ब्रेकडाउन मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम डाउन करते हैं ऐसे, एंड यहाँ पे हम सारे ईयर्स को लगा देते हैं पहले, राइट। इसको हम फिर से ऊपर ले जाते हैं इसको, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये वाटरफॉल मेथड ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैटेगरी के अंदर हम ऑर्डर डेट डाल देते हैं, उसके हिसाब से हम ब्रेकअप कर रहे हैं, कंट्री को आपको ब्रेकडाउन में डालना है कि कंट्री के हिसाब से हमको दो, एंड सेल्स यहाँ पे हम ले लेते हैं वाई एक्सिस में, राइट। सो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, डेटा लेवल ऑन करोगे तो सेम टू सेम आपका देखने मिल जाएगा यहाँ पे कि आप ये मिलियंस में हैं, इसको चाहो तो आप थाउजेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूज को। सो वैल्यूज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑटो डिस्प्ले की जगह पे हम कर देते हैं थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स में आपको देखने मिल जाएगा, राइट, एंड सो ऑन, जो हम आगे समझने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि 2011 और 2012 में जो सेल्स यहाँ तक हुआ है तो कौन सी कंट्री से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। सो नेक्स्ट चार्ट है हमारा मैप।
सो मैप आप देख सकते हो, एक फील्ड मैप होता है, एक नॉर्मल मैप होता है। तो हम दोनों ही देखेंगे कि मैप आपको यहाँ पे कंपनीज यूज करती है कि ओवरऑल जो सेल्स जो कंपनी करती है, वो कौन सी कंट्री, कौन से ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा जनरेट करती है और कितना वॉल्यूम है, राइट? तो हम वो समझने वाले हैं। तो सिंपल मैं आपको ले चलता हूँ पावर पॉइंट पे, यहाँ पे आ जाते हैं मैप पे। तो आप देखो कि ऑलरेडी एक मैप क्रिएटेड है जहां पे हमने डेटा यूज किया है, लोकेशन लोकेशन के अंदर कंट्री यूज किया है। कभी कभी आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों दिया रहेगा, तो वो वैल्यू आप डाल सकते हो, राइट? एंड इसके अंदर प्रॉफिट लिया, तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है ये कंट्री है, कंट्री का नाम है बेल्जियम, जहां से 9,912 रुपी डॉलर के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे मैं टूल टिप में डाल सकता हूँ कि ओवरऑल सेल्स कितना है, तो प्रॉफिट कितना है, मार्जिन आप जैसा चाहो ना आपके हिसाब से कर सकते हो इसके अंदर। जैसे कि मुझे सेल्स भी डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स यहाँ से उठा करके ये जो सेल्स है टूल टिप में डाल दिया, राइट? तो मुझे टूल टिप इसके ऊपर अगर करूंगा तो मुझे दिखाई देगा सेल्स तो कंपनी ने जनरेट किया लेकिन प्रॉफिट माइनस में। इसके लिए इसका जो बबल साइज है ना छोटा है, राइट? इसका बबल साइज हाइयर है, मतलब आप देख सकते हो सेल्स 4,20,000 डॉलर के आसपास का और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 90,000 डॉलर के आसपास है। तो यहाँ से आपको रफ आइडिया मिलता है कि कम से कम आराम से 20% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी जनरेट कर रही है इस लोकेशन से। अब इसको कैसे बनाते हैं, सिंपल आपको क्या करना है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ पहले, राइट? छोटा कर देते हैं एंड यहां से हम अपना मैप उठा लेते हैं, वर्ल्ड मैप, इसको हम यहाँ ले आते हैं, राइट? तो लोकेशन के अंदर में सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, कंट्री, राइट? कि कंट्री ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कि कौन सी कंट्री से है, तो लोकेशन मैंने ये यूज कर लिया एंड इससे मुझे ये मार्क मिल गया कि जो आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू ब्लू, ये कलर चाहो तो आप रेड ग्रीन जैसा चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ यहाँ से ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेचती है वो यहाँ से जनरेट करती है अपना रेवेन्यू, लेकिन मुझे जानना है कि सबसे ज्यादा सेल्स कौन से रीजन से आता है। तो सेल्स उठा करके मैं आपका बबल साइज जहां पे दिया है वहां पे डाल देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे डालता हूँ तो आप देखोगे कि बबल साइज फॉर्म हो चुका है हर जगह का, कि यहाँ से सेल्स कितना है, पैट कितना है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो टूल टिप के अंदर ऐड कर सकते हो और आपको प्रॉफिट भी दिखने मिल जाएगा। अगर आपने मार्जिन भी कैलकुलेट किया तो वो भी आपको दिखने मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो फील्ड मैप है, जो सेम आपका एक तरीके से वर्ल्ड मैप जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये आपको रीजन पूरा का पूरा दिखा देता है, सेल्स कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है, राइट? और बाकी कुछ नहीं। सो इसके अंदर में सिंपली आपको क्या करना है कि उसके वर्ल्ड मैप के बाजू में ही आपको एक रीजन दिखाई देगा, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर में क्या डाला गया है, कंट्री लोकेशन में एंड टूल टिप में सेल्स हमने यूज किया हुआ है, राइट? कि यहाँ यहाँ से कंपनी सेल्स जनरेट करती है और ये रीजन को कवर करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्री सिंपली ले लेंगे, यहाँ पे मैं कंट्री उठा करके जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे लोकेशन में, राइट? तो आपको ऑटोमेटिकली वो फिल्ड हो जाएगा कि ये सारी कंट्री का लोकेशन है जहां से कंपनी सेल्स जनरेट करती है। लेकिन स्पेसिफिक अगर हमको जानना है तो आपको वो मैप यूज करना पड़ेगा जो मैंने पहले आपको साइज का दिखाया है, ये क्योंकि पूरा का पूरा ही कवर कर रहा है। अब यहाँ से मुझे पता है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ से आता है, कितना आता है इस रीजन से नहीं आता है, तो यहाँ पे आप जाकर के टूल टिप में डाल सकते हो, सेल्स डाल सकते हो, प्रॉफिट डाल सकते हो, मार्जिन डाल सकते हो, राइट? सो कंपनी वहां पे ज्यादा फोकस करती है। तो सेल्स हम टूल टिप में डाल देते हैं तो आपको ये दिखने लग जाएगा, राइट? आप कहीं भी आप होवर करो आपको नजर आ जाएगा कि सेल्स इसका इतना है या पैट इतना है। नेक्स्ट आपका आता है स्लाइसर। अब स्लाइसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपको कोई फिल्टर आउट करना हो डेटा, राइट? फिल्टर आउट करना हो मतलब आपको लोकेशन वाइज चाहिए, आपको कैटेगरी वाइज चाहिए, आपको सेगमेंट वाइज चाहिए, आपको प्रोडक्ट वाइज चाहिए, राइट? ईयर वाइज चाहिए, तो स्लाइसर जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, सेम आपको स्लाइसर वहां से उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वहां पे वैल्यू आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लाइव आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम आ जाते हैं फिलहाल के लिए डोनट चार्ट पे, राइट? डोनट चार्ट पे यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा स्टेट है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर रीजन का देखना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्लाइसर ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको स्लाइसर दिखाई देगा, ये इस पे क्लिक कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ इसमें ईयर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट। तो ये पूरे ईयर का दिखा रहा है लेकिन मुझे चाहिए क्या कि पर्टिकुलर ईयर का ही चाहिए, राइट? यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा मुझे, इस पे जा करके मैं इसका फॉर्मेट चेंज करता हूँ, स्लाइसर सेटिंग में जा करके,
बिटवीन के जगह पे क्या करूंगा, मैं इसको वर्टिकल लिस्ट कर दूंगा, राइट। तो वर्टिकल लिस्ट में आ गया, राइट। सिंगल सेलेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम सिंगल सेलेक्ट किया तो एक एक रीजन का दिखाएगा, या सिंगल सेलेक्ट ऑफ करूंगा तो मैं मल्टीपल रीजन का दिखाएगा आपको यहाँ पे। राइट, तो मैंने यहाँ पे एक साथ दो तीन कंसिडर कर सकते हो, राइट। कौन से डेट का, कौन से ईयर का, राइट। ऐसा आपको मतलब स्लाइसर से आप यूज कर सकते हो। अगर इसको मैं ऑफ कर दूँ स्लाइसर हेड को, एंड इसको स्लाइसर सेटिंग में जाकर के वर्टिकल की जगह पे मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, सबसे बेहतर, राइट। ड्रॉप डाउन कर दूंगा तो क्या होगा, अभी यहाँ पे मुझे ईयर 2011 12 सब दिखाई देगा, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर के पहले इसका जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूं, मैं एक ईयर ले लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा, ईयर, ईयर वाइज 2011 का मुझे देखना है, 2012 का देखना है, या 2013 का देखना है, तो मैं देख सकता हूँ पर्टिकुलर का। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन है, आप फिर से जाकर के इसको चाहो तो ऑफ कर सकते हो, सिंगल सिलेक्शन ही रखना है तो आपको। यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन रखो, सिलेक्शन सिंगल सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आपके 2011 या 2012 का सेल्स आपको देखने लगेगा, सम ऑफ प्रॉफिट बाय स्टेट। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि आपने सिर्फ ईयर वाइज देखा है, लेकिन आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर कंट्री का ही देखना है, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे अभी के टाइम पे क्या हुआ है, इस डोनर चार्ट के अंदर में हमने सम ऑफ प्रॉफिट यूज किया, स्टेट यूज किया है, ठीक है, स्टेट के हिसाब से दिखा रहा है। अब मुझे क्या चाहिए ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, स्लाइसर ले लेते हैं फिर से, एक यहाँ से स्लाइसर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे ना चाहिए कैटेगरी वाइज, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी डाल दूंगा फील्ड में, एंड यहाँ पे मुझे तो ये पूरा का पूरा दिखा रहा है प्रॉफिट। अब मुझे 2012 में सिर्फ फर्नीचर का इस पर्टिकुलर सारे स्टेट में किस तरह से सेल्स प्रॉफिट रहा है, राइट। तो मैं मल्टीपल चाहूँ तो यूज कर पाऊंगा, राइट। ये टोटली डिपेंड करता है, तो स्लाइसर का यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तब जाकर के इनपुट मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे चीज ऑन करके कुछ मतलब नहीं है। नेक्स्ट आपका चार्ट आता है ट्री मैप्स। सो ट्री मैप बेसिकली आपको एक तरह से ब्रेकअप दिखाता है कि ओवरऑल जो बिजनेस आपकी कंपनी जनरेट कर रही है, कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा उसको लेफ्ट में लेकर के आएगी, और बाकी जैसे जैसे छोटा होते जाएगा उसको राइट में लेकर के आएगी। तो आपको डायरेक्टली वो चार्ट देख करके मालूम पड़ जाता है, ये कंट्री से, ये प्रोडक्ट से, या इस प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा मार्जिन है, ऑटोमेटिकली आप फेच कर सकते हो। बिगर द साइज मीन मैक्सिमम इज द सेल, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। अब इसको कैसे बनाते हैं, ले चलता हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, आ जाते हैं हमारे ट्री मैप पे। सो ट्री मैप पे यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई फिल्टर अभी फिलहाल के लिए ऑन नहीं है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ही है। तो यहाँ पे इंग्लैंड जो सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट कर रहा है, राइट, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी भी है एंड सम ऑफ सेल्स भी है, तो सेल्स का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कैटेगरी में सेल्स यूज, स्टेट यूज किया गया है, वैल्यूज में सम ऑफ क्वांटिटी एंड टूल टिप में सेल्स। सो कैसे बनाना है, सिंपली इसको ऐसा छोटा कर देते हैं एंड ट्री मैप पे क्लिक करते हैं। ट्री मैप पे क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, आपका स्टेट है, सम ऑफ क्वांटिटी एंड सम ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सम स्टेट ले लेते हैं, या कैटेगरी आप चाहो तो जो भी लेना आपको ले सकते हो, फिलहाल हम स्टेट यूज करते हैं, स्टेट यूज कर लेते हैं कैटेगरी में, सेल्स यूज कर लेते हैं टूल टिप में, या फिर वैल्यूज में, आप सेल्स यूज कर लेते हैं वैल्यूज में, चलेगा, राइट। सो यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि यहाँ पे एक कंपनी ऑलरेडी सिलेक्शन है, तो उसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए, राइट। सो यहाँ पे आप चाहो तो एक भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे सेम उसी तरह का वैल्यू क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको दो तीन चीज दिखा, यहाँ पे सेल्स दिखाई देगा, आपको प्रॉफिट भी देखना है, सिंपली आप क्या करो यहाँ पे प्रॉफिट डाल दो टूल टिप के अंदर में, तो आपको प्रॉफिट भी दिखना चालू हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं टूल टिप में डाल देता हूँ, सो मुझे उस वहां पे सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों चीज नजर आएगा, और मुझे इतने सारे कंट्रीज को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा मेन फोकस रहेगा कि भाई ये कंट्रीज तो मेरे लिए कैश का हो जहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस आता है, उसके बाद ये सारी जो स्टेट्स हैं वहां पे मुझे फोकस करना चाहिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ये सारी जो स्टेट है उसमें टाइम लग जाएगा, राइट। तो यहाँ से ही मिलता है, जैसे कि अभी ये कंट्री अगर सिर्फ सेलेक्ट करूं तो पर्टिकुलर स्टेट, इस कंट्री के अंदर में जो स्टेट है वहां से सेल्स कितना जनरेट हो रहा है, या बेल्जियम पे क्लिक करूं तो बेल्जियम का कितना उस कंट्री से, उस कंट्री के अंदर जो स्टेट है वहां पे कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा बिजनेस दे रहा है, राइट। इस तरह से आप इनसाइट देख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है टेबल्स।
टेबल बेसिकली आपका एक तरह से कंटेंट या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसे कि आपका एक्सेल के अंदर होता है। तो यहाँ पे भी पावर बीआई के अंदर में ना आप मल्टीपल जो डेटास है उसको इंसर्ट कर सकते हैं और उसको आसानी से आप देख पाओगे। तो टेबल कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जहाँ पे हमने कैटेगरी, कंट्री, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी ये सब यूज किया है। सो कैसे ड्रॉ करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे फ्रांस सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे फ्रांस के अंदर फर्नीचर, कंट्री, प्रोडक्ट नेम या जो भी है वो, तो इसको कैसे बनाते हैं, सिंपली एक कॉलम की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं। यहाँ से हमने टेबल ले लिया, यहाँ टेबल के अंदर मैं यूज करता हूँ कैटेगरी। मैं जानना चाहता हूँ कैटेगरी कितनी है, कैटेगरी टोटल कॉलम के अंदर आ जाएगा तो आपको दिखाई देगा 3 कैटेगरी है, और कैटेगरी के अंदर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स कितने अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर मैं प्रोडक्ट भी डाल देता हूँ। तो इस कैटेगरी का फर्नीचर के अंदर में इतने टाइप्स के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, राइट। फर्नीचर और नीचे जाओगे तो आपको अलग अलग ऑफिस सप्लाई ये सब मिलेगा। अब मुझे जानना है ये जो फर्नीचर वाला प्रोडक्ट है एडवांस क्लॉक ट्यूब, तो इसका सेल्स कितना ये कंपनी जनरेट करती है। तो सेल्स का अगर डेटा मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल दूँ, राइट, तो मुझे सेल्स मालूम पड़ जाएगा। अब मुझे जानना है कि ये सेल्स इतना जनरेट करने के लिए कितना क्वांटिटी बेचा गया है, कितना क्वांटिटी वॉल्यूम गया है। सो यहाँ पे मैं क्वांटिटी भी ले सकता हूँ, सिंपली आई कैन पुट हियर, आई कैन फाइंड आउट द डिटेल्स, राइट। सिर्फ ये फ्रांस का है, अगर मैं फ्रांस के जगह पे किसी और कंट्री का करूँ, फिनलैंड का, तो फिनलैंड का मुझे देखने मिल जाएगा डेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द टेबल फॉर डिटेलिंग। और भी इसका यूसेज है जो हम लाइव प्रोजेक्ट के अंदर में समझेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बेसिकली आपका दो वेरिएबल को यूज करने के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको स्कैटर चार्ट में समझाया था, एक्स और वाई एक्सिस दो वेरिएबल से बन करके एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है। उसी तरह यहाँ पे मुझे एक साथ में दो इन्फॉर्मेशन देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स है जहां पे आपको ईयर और 2011 में जनवरी फरवरी सब आ गया, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम, ऑफिस, राइट। तो 2011 में ओवरऑल सेल्स कितना था, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, राइट, ईयर के साथ में। तो आपको सिर्फ एक चीज नहीं मिल रहा है टेबल के अंदर में, आपको एक वेरिएबल मिल रहा है एक साथ में रो वाइज। आपको रो और कॉलम को मिक्स करके आपको देखना है कि जनवरी के मंथ में कंज्यूमर ने अराउंड जो लॉस था वो $1,012 के आसपास था, वहीं जनवरी में ये कॉर्पोरेट का $292 का सेल्स था, राइट। तो ये गेन और लॉस आप यहाँ से समझ सकते हो। तो मतलब दो वेरिएबल को यूज कर देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप यहाँ पे मैट्रिक्स चार्ट का यूज कर सकते हो। और भी यूसेज है जो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा है यहाँ पे ईयर, कंज्यूमर्स एंड ऑल। सो यहाँ पे क्या करना है कि मैट्रिक्स सेम आपका टेबल जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा अलग कलर रहता है, ध्यान रखना कि ब्लू एंड व्हाइट मिक्स रहता है ग्रेड, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स मैंने उठाया है यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप, सेम है, ड्रैग एंड ड्रॉप हमारा मेन लक्ष्य नहीं है इसके अंदर में, मेन है हमारा प्रोजेक्ट करना, जो स्टार्ट होगा तब तो आपको समझेगा। सो रोज के अंदर आपने क्या यूज किया, यहाँ पे ईयर, ऑर्डर, डेट, फिर कॉलम में सेगमेंट एंड सम ऑफ प्रॉफिट। तो हम वो भी यही यूज करते हैं, तो ऑर्डर डेट ले लेते हैं, ऑर्डर डेट, राइट। ऑर्डर डेट उठा करके हमने रोज में डाल दिया, तो यहां पे आ गया। एंड कॉलम के अंदर में हम डाल देते हैं सेगमेंट, राइट, सेगमेंट आ गया हमारा। अब इसमें मुझे क्या देखना है कि ईयर एंड सेगमेंट दो वेरिएबल्स हो गए, अब मुझे इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, 2011 में सेल्स का या प्रॉफिट का। तो मैं यहाँ पे सेल्स का फिलहाल चेक कर लेता हूँ, तो सेल्स मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो सेल्स का भी आ गया। अब मैं इसको प्लस करूंगा तो मुझे Q1, Q2, और इसको प्लस करूंगा तो मुझे जनवरी, और मैं प्लस इसको करूंगा तो मुझे डे वाइज भी दिखाई देगा। तो दिस इज हाउ इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव मैट्रिक्स, जब आपको डिटेलिंग्स और डिटेल में चाहिए रहता है दो वेरिएबल का, तो आपको आसानी से मिल जाता है।